सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। पाठ 23 कविता का कमाल, इस पाठ को हमने पढ़ लिया है ना, हमने देखा किस तरीके से मदन जो है कविता लिखता है ना, रास्ते पर चलते चलते अद्भुत कविता लिखता है और उससे चोर जो है वो पकड़े जाते हैं, है ना, जिससे राजा का जो खजाना था वो बच गया, है ना। आज हम इस पाठ के कविता का कमाल, है ना, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर जो हैं हमारे पाठ में दिए गए हैं। देखिए, प्रश्न नंबर पहला क्या दिया है, कुत्ते को जमीन खोदते देखकर मदन ने कविता की क्या पंक्ति सोची। तो कुत्ते को जब जमीन खोदते हुए देखा मदन ने, तो अपनी कविता का कौन सा पंक्ति उसने चुना, है ना, क्या सोचा। तो उत्तर है, कुत्ते को जमीन खोदते देख मदन ने कविता की पंक्ति सोची, खुदुर खुदुर का खोदत है, है ना, खुदुर खुदुर का खोदत है। जब कुत्ता जो है जमीन खोद रहा था तो उसने अपनी कविता की यही पंक्ति बना ली, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, ताक झांक का खोजत है मदन ने यह किसके लिए कहा, है ना, ताक झांक क्या देखत है, तो मदन ने इस पंक्ति को किसके लिए कहा था, किसको देखकर कहा था और किसके लिए कहा था, तो क्या होगा उत्तर, ताक झांक का खोजत है मदन ने यह पंक्ति पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया के लिए कहा, है ना, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था, चिड़िया बैठी थी, तो उसी के लिए उसने इस पंक्ति को, इस लाइन को चुना था, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, धनुषा कौन था, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। कौन था भाई धनुषा, हमने पाठ में देखा कौन था धनुषा, चोर था, है ना, चोरी करने गया था, ठीक है। देखो उत्तर क्या है, धनुषा चोर था, वह खजाने की चोरी करने आया था, पकड़े जाने पर सजा से बचने के लिए उसने राजा से माफ़ी मांगी, है ना, क्यों माफ़ी मांगी थी, अब पकड़ा गया था चोर, है ना, तो सजा उसे होती ना, तो इसलिए उसने क्या किया, सजा से बचने के लिए माफ़ी मांगी, है ना, धनुषा जो चोर था वो, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या है, राजा ने मदन को इनाम क्यों दिया, राजा ने मदन को क्यों इनाम दिया, भाई बहुत बड़ी बात कर दी थी उसने, बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी जिसकी वजह से जो राजा का खजाना था वो लुटते लुटते बच गया था, है ना, तो देखो उत्तर क्या है, मदन की कविता के कारण ही राजा का खजाना चोरों से बच गया, है ना, मदन की कविता के कारण ही राजा का खजाना चोरों से बच गया, चोरी करने आए चोरों को पकड़ लिया गया और राजा का खजाना लूटते लूटते बच गया, इसलिए राजा ने मदन को इनाम दिया, है ना भाई, इनाम इसीलिए दिया गया क्योंकि उसका खजाना जो है बच गया था चोरों से, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाओ, है ना, सही विकल्प यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उसके लिए आपको 3 सही विकल्प दिए हैं, उस सही विकल्प पर हमें क्या करना है, टिक का ऐसे सिंबल लगाना है, ठीक है। देखो पहला क्या है, कविता लिखने वाले को कहते हैं, कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं, कहानीकार कहते हैं, क्या कहते हैं कविता लिखने वाले को, वेरी गुड, कवि कहते हैं, है ना। अब दूसरा देखो, बाहर का विलोम शब्द है ना, विलोम मीन्स उल्टा, तो बाहर का विलोम शब्द क्या है, देखो 3 विकल्प दिए हैं, आगे पीछे अंदर, तो बाहर का उल्टा क्या है, अंदर, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर स पर टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मुलायम शब्द का अर्थ है क्या है, मुलायम शब्द का अर्थ क्या है, मुलायम मीन्स क्या होता है, तो पहला दिया है गरम, दूसरा है नरम, तीसरा है कठोर, तो मुलायम का मतलब क्या होता है, मुलायम मीन्स सॉफ्ट, नरम, है ना, तो क्या आएगा, नरम,
ब पर हम टिक का निशान लगा देंगे, मुलायम, ठीक है, नरम, ठीक है। अब देखिए माला माल का अर्थ, माला माल का अर्थ क्या होता है भाई, माला माल, माला माल हो जाना, है ना। तो अ दिया देखो माल लादना, ब दिया है गरीब, और श दिया है धनवान। तो क्या होगा माला माल का, गरीब तो हो ही नहीं सकता, माल लादना मतलब लादना थोड़ी है, है ना। तो धनवान क्या होगा, माला माल का धनवान, स पर टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इन प्रश्नों के अलावा मैंने होमवर्क भी दिया है, इन सभी को अपनी नोटबुक पर लिखकर और होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिए।